हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो लेक्चर एमकॉम सीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक .NET। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन क्या होता है, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन दरअसल क्या होता है कि कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करने के लिए हम सामान्यतः रेडियो बटन का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म में अगर आपको फिलअप करना है, जेंडर फिलअप करना है। ओके, जैसे हम कोई फॉर्म भर रहे हैं और उसमें आपको जेंडर फिलअप करना है कि मेल या फीमेल, तो आपको दोनों ऑप्शन चूज नहीं करने होते हैं। क्या करना होता है आपको? दो ऑप्शन में से या कई ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन को चूज करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेडियो बटन का यूज़ करने से क्या होता है कि कई ऑप्शन में से हम एक ही ऑप्शन को चूज कर पाते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि रेडियो बटन कैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेडियो बटन आपको लगाना हो अगर, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा। और टूल बॉक्स कहाँ पे है? यहाँ पर स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको टूल बॉक्स दिख रहा है। टूल बॉक्स क्या होता है कि जितने भी कंट्रोल होंगे सभी कहाँ आएंगे? आपके टूल बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। ओके, तो टूल बॉक्स के अंदर हमें क्या लेना है? रेडियो बटन लेना है। तो यहाँ पे हम गए और ये है अपना रेडियो बटन। तो रेडियो बटन पे हमने क्लिक किया। सिंगल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, आपको ड्रैग करना पड़ेगा। अगर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। इसका नाम दे दिया हमने, ये रेडियो बटन वन है। अब इसका नाम हमें करना है क्या? मेल करना है। ठीक है, तो मेल कैसे होगा? तो इस रेडियो बटन के प्रॉपर्टी पे हमें जाना पड़ेगा। तो रेडियो बटन का प्रॉपर्टी कैसे जाएंगे हम? राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी अपना ये ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं खुला हुआ है तो कैसे ओपन करेंगे? तो प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F4। तो F4 प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक रेडियो बटन की वन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो कैसे पता चलेगा कि आपको रेडियो बटन वन की ही प्रॉपर्टी खुली हुई है? तो देखिए, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में रेडियो बटन वन लिखा हुआ है और इसका नाम भी रेडियो बटन वन है, तो आप समझ जाएंगे कि इस ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है तो ये रेडियो बटन वन की प्रॉपर्टी है। ओके, और प्रॉपर्टी होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक कार है, कार एक समझ लीजिए क्या है? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जैसे कलर, कार की कलर, कार की साइज, ये क्या है? उसकी प्रॉपर्टी। कार का नाम, ये क्या है? उसकी प्रॉपर्टी। तो यहां पर समझ लीजिए कि रेडियो बटन वन कोई भी क्या है? प्रॉपर्टी है। और रेडियो बटन कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम होगा, इसका कोई कलर होगा, इसका कोई साइज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर रेडियो बटन वन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में खुला हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जा करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है? यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर जा करके इसको हम ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल। ओके, हमने लिख दिया मेल और यहाँ पर क्लिक करते ही ये चेंज हो गया। इसके बाद आपको फीमेल लेना है, तो यहाँ पर टूल बॉक्स में जा करके रेडियो बटन वन को वापस क्लिक करना होगा। तो रेडियो बटन कहाँ पे आपको दिख रहा होगा? यहाँ पर रेडियो बटन ये है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको ड्रैग किया तो रेडियो बटन टू आ गया। ओके, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पर जा करके इसका भी नाम हमने चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया हमने फीमेल कर दिया। ओके, ये इसका नाम फीमेल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये मेल फीमेल क्या है? तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम एक लेवल ले लेते हैं। तो हमने कल लेवल बताया था कि लेवल का यूज हम क्यों करते हैं। तो लेवल का यूज हम कोई भी फिक्स टेक्स्ट लिखने के लिए हम लेवल यूज़ करते हैं। तो लेवल को हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये लेवल आ गया। इस
के टेक्स्ट पे जा करके इसका हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया, ठीक है। इसका टेक्स्ट हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया जेंडर, ओके। तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सेलेक्ट जेंडर, लेबल, लेबल पे हमने क्या लिख दिया, सेलेक्ट जेंडर, मतलब कि आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जा कर के रन करेंगे आप, या फिर रन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है, ओके। तो हमने F5 किया तो ये देखिए आपका रेडियो बटन आ गया। अब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है, या तो ये सेलेक्ट हो रहा है, या तो ये, यानी कि दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो बटन कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने किसको सेलेक्ट किया हुआ है उसको देखना है। जैसे हम कि अगर हम फीमेल पे क्लिक करके और चेक करते हैं कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, आपको बताएगा कि आप मेल सेलेक्ट किए हैं कि फीमेल सेलेक्ट किए हैं, इसकी हम कोडिंग करेंगे, ओके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जा करके एक आपको क्या लेना पड़ेगा, बटन ले लीजिए, ओके। यहाँ पर ये बटन ले लेते हैं और बटन पे हमने क्लिक किया और इसको नाम इस दे देते हैं हम चेक, ओके चेक, और चेक कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम चेक पे क्लिक करेंगे तो आपने कौन सा रेडियो बटन चूज किया हुआ है ये बताएगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और चेक पे क्लिक करेंगे बताएगा मेल, यहाँ पे क्लिक किया तो चेक करेंगे तो बताएगा फीमेल, ओके। तो इसकी कोडिंग करेंगे तो किसके इवेंट पे हमें कोडिंग करना पड़ेगा, चेक के क्लिक इवेंट पे। तो यहाँ पर जाएंगे और ये लिखेंगे कोडिंग इफ, यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड, ओके। अगर चेक्ड है देन एमएसजी बॉक्स, मैसेज बॉक्स में आए और मैसेज बॉक्स में क्या लिख करके आए, मैसेज बॉक्स में लिख के आए कि यू चूज्ड मेल, ओके। और फिर से इफ लगाते हैं हम, इफ RADIO रेडियो बटन 2 डॉट चेक्ड देन MSG बॉक्स में क्या लिख करके आ जाए, यू चूज्ड फीमेल, ओके। और हम यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या रहा, यू चूज्ड मेल। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, चेक किया यू चूज्ड फीमेल आ रहा, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो बटन का यूज हम क्यों करते हैं। फिर बता देता हूँ, रेडियो बटन का यूज हम करते हैं एक ऑप्शन में, कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करने के लिए हम सामान्यतः रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड MCQ बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।